मशहूर कॉमेडियन राज श्रीवास्तव को इस दुनिया से गए पूरे 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन उनकी मौत के ठीक बाद डॉक्टरों ने एक ऐसी हरकत की है जिसे सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। मशहूर कॉमेडियन राज श्रीवास्तव गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। 58 साल की उम्र में बुधवार को उनका निधन हो गया। उन्हें मौत से 42 दिन पहले ही हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद से वे दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। अस्पताल के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर ने बताया कि कैसे राजू के शव का पोस्टमार्टम किया गया है। एक ऐसी तकनीक से किया गया है जो आज से पहले कभी नहीं की गई है। दरअसल वर्चुअल ऑटोपसी और वर्चुअल पोस्टमार्टम या वर्टोपसी भी कहा जाता है, इसमें शव की पूरी जांच मशीन के द्वारा की जाती है। इस प्रोसेस में नॉर्मल पोस्टमार्टम की तरह कोई चीर फाड़ नहीं होती है। फोरेंसिक डॉक्टर्स हाईटेक डिजिटल एक्सरे और MRI मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें धार्मिक भावनाएं भी आहत होने का खतरा नहीं होता और मौत की वजह को लेकर ज्यादा अंदाजा मिल सकता है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि वर्चुअल ऑटोपसी से पोस्टमार्टम करने में कम समय लगता है, जिससे शव को अंतिम संस्कार के लिए जल्दी भेजा जा सकता है। राजू के केस में वर्चुअल पोस्टमार्टम इसलिए किया गया क्योंकि जब उन्हें शुरुआत में एम्स लाया गया था तब वे होश में नहीं थे। वे ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए गिरे या नहीं ये बात साफ नहीं हो पा रही थी। ऐसे में दुविधा में पुलिस शख्स की मौत के बाद पोस्टमार्टम कराने का फैसला लेती है।